तो हाय गाइस, आप आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे भूतों के मंदिर की। जी हाँ, ये देखिए, ये है वृंदावन का भूतों का मंदिर। आज हम यहाँ भूतों के मंदिर आए हुए हैं। ये आप जो भी मंदिर देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा मंदिर है, देखने में भी काफ़ी अच्छा है। चलिए अंदर चलते हैं। चलिए आइए, इस मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। चलिए इस मंदिर के अंदर चलते हैं, हम प्रवेश करते हैं। ये हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ये देखिए, ये हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया है। काफ़ी साल पुराना मंदिर है और इसको वृंदावन में भूतों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, भूतों का मंदिर। ऐसा मानना है और ऐसा कहा भी जाता है कि इस मंदिर को भूतों के द्वारा बनाया गया और इसका निर्माण मात्र एक दिन में, जी हाँ, मात्र एक दिन में रातों रात इस मंदिर का निर्माण हो गया, ऐसी मान्यता है। ये देखिए, और शाम के वक्त इस मंदिर में काफ़ी सारे चमगादड़ आ जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसकी कारीगरी बहुत ही उत्तम। देखने में काफ़ी सुंदर, काफ़ी आकर्षक ये मंदिर। काफ़ी दूर दूर से लोग इस मंदिर को देखने वृंदावन में आते हैं। और इस मंदिर को देखकर वृंदावन में आकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि इसकी कारीगरी ही ऐसी है। देखिए, ये मंदिर है सामने, इसमें भगवान की मूर्ति है और अभी दर्शन नहीं खुले हैं, शाम के समय खुलते हैं शायद। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक दर्शन खुलने का समय है इसका। ये ऊपर का व्यू भी दिखा देता हूँ मैं आपको। रात के समय इसमें काफ़ी सारे चमगादड़ आकर प्रवेश कर जाते हैं। ये ऊपर का व्यू है इसका, ये देखिए। काफी बड़ा मंदिर है और देखने में भी काफी आकर्षक लग रहा है। ये देखिए, काफी सारे लोग इस मंदिर को देखने दूर दूर से आते हैं। ये देखिए, काफी कारीगरी काफी अच्छी है इसकी। आइए और देखते हैं इस मंदिर के। तो अगर आप भी वृंदावन में आए तो इस भूतों के मंदिर को देखे बिना नहीं जाएं, क्योंकि काफी अच्छा मंदिर है भूतों का। ये देखिए, ये बंदर का बच्चा, ये बंदर का बच्चा देखिए, भूतों के मंदिर में काफी, नहीं बड़ा वाला छीन लेगा। ये बंदर भी बैठे हुए हैं यहाँ, देखो काफी सारे बंदर हैं यहाँ। अगर आप वृंदावन में इस मंदिर को घूमने आए हैं तो ये ध्यान रखना कि यहाँ बंदर काफी हैं, बंदर काफी सारे बंदर हैं। और आपका मोबाइल और चश्मे का जरूर ध्यान रखें आप, मोबाइल और चश्मा को खासकर, विशेष तौर पे यहाँ के बंदर काफ़ी नटखट हैं तो वो ले जाते हैं। अगर आपका मोबाइल चश्मा भी अगर ले जाते हैं तो आप उन्हें फ्रूटी डालकर अपने मोबाइल को छुड़वा सकते हैं। ये ध्यान नहीं, बंदर ही है।
ये देखिए, ये भी भूतों के मंदिर के दर्शन करने आए हुए हैं काफी दूर से। हाँ तो आप कहाँ से आए हैं माता जी? दिल्ली से आए हो? अच्छा, तो आपने ये भूतों का मंदिर देखा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा, तो ये दिल्ली से आए हुए हैं भूतों का मंदिर स्पेशल देखने। देखिए ये बाबूजी आए हुए हैं हमारे पास। बाबूजी कैसा लगा आपको भूतों का मंदिर? अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जनता से अगर वो यहाँ पर आए तो देखे इस मंदिर को? पब्लिक आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए मंदिरों के। और क्या है, और क्या रखा? अच्छा अच्छा, हाँ तो कहने का बाबूजी भी यही कह रहे हैं कि अगर आप वृंदावन आए तो भूतों के मंदिर को जरूर देखें और आपको काफी अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ ऐसा ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को एक ही दिन में बनाया गया भूतों के द्वारा। रात रात बनाया गया, जब सुबह चाह की चल गई ऐसे भंग हो गया। फिर लोग तो कहते हैं ऐसे, अब ये पता नहीं क्या। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने भी ऐसा सुना है कि लोगों का कहना है कि रातों रात में इस मंदिर को बनाया गया था। और बड़े बूढ़े यही कहते हैं। हाँ, देखने में काफी अच्छा है मंदिर। जब मर जा जाते आते रहे, पुनर्वास भी करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। राधे राधे, एक बार प्यार से कहिए राधे राधे। तो दोस्तों ये है भूतों का मंदिर। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में आप से यहीं अलविदा लेंगे, मिलते हैं किसी अदर ब्लॉग में। ये देखिए पूरा व्यू, साइड से भी इसका व्यू देख लीजिए आप, बाहर से ऐसा दिखता है। राधे राधे, धन्यवाद।